राइट गाइस, दिस इज समथिंग बिग और बहुत कम गोदी चैनल्स थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में। किसी डेटा को जब छुपाया जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है, और स्पेशली तब जब उस डेटा को बार बार दिखाया जा रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट GST कलेक्शन। अब डेटा को छुपा क्यों रहे हो? लोगों को सच में डर लग रहा है? Seriously, there is an official website of GST Council of India. हर महीने की पहली तारीख को इस पर यह बताया जाता था कि कितना GST कलेक्शन हुआ है। इस बार ये नहीं आया, क्यों? मैं हैरान हूं जी। And if you talk about GST collection, government के fans और specially गोदी media बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये इतना GST collection हो गया, उतना GST collection हो गया। If you remember those headlines in those videos, GST collection में फिर आया उछाल। GST collection ने सारे record तोड़ दिए हैं। GST collection में सारे record टूट चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा GST collection हो रहा है कि सरकार बताना नहीं चाह रही, और मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। ये गोदी चैनल्स में एक चैनल बोल रहा है, जस्ट लिसन टू हिम। एक अजीब सी बात का दावा किया जा रहा है, और वो दावा ये है कि सरकार GST से होने वाली ज्यादा कमाई से घबरा गई है, वो इसे जगजाहिर करने से शर्मा रही है। अरे मतलब पीएम केयर्स फंड नहीं बताया, कम से कम GST कलेक्शन तो बता दो मोदी जी। इसी पर हो जाए कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या है वो डेटा जिसे छुपा रहे? Now try to understand the thing over here. GST collection में सबसे ज्यादा भागीदारी small taxpayers और middle class की होती है, और सिर्फ 3% अमीर पूंजीपतियों की होती है, ये जो बांसुरी बजा रहे हैं इन टाइप लोगों की। तो कहा यह जा रहा है कि इस डेटा को इसलिए सामने नहीं लाया जा रहा है क्योंकि जब मिडिल क्लास को और स्मॉल टैक्स पेयर्स को पता चलेगा कि हमने इतना पैसा दे दिया, फिर भी एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिर रही है, वो भी 3-3 एयरपोर्ट्स की, 5-6-7-8 पुल गिर गए, ट्रेन में अभी अभी इस यात्री के ऊपर छत गिरी है, रोना नहीं। तो उनको जब यह पता चलेगा कि इतना GST देने के बाद भी मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं मिल रहा है, तो वो यही कहेंगे क्या मेरा तो खून खोल जाता। That's why people are saying that they are not releasing the data. और उल्टा मुंबई में पब्लिक को और इनकन्वीनियंस होगी क्योंकि ये शादी एक पब्लिक इवेंट हो चुकी है, ट्रैफिक में तुम लोग संभाल के चलो। किसी को भी कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहिए। जो GST ज्यादा पे करता है वो ट्रैफिक संभाल के चलेगा, लेकिन जो GST कम पे कर रहा है उसके लिए ट्रैफिक को संभाला जाएगा। वैसे ये कैसी चल रही है प्री वेडिंग? इनकी प्री वेडिंग जितनी लंबी चल रही है ना, उतनी तो लोगों की शादी नहीं चलती है। एंड आई एम एक्चुअली वंडरिंग कि ये अपनी वेडिंग में क्या करेंगे। सजनों, अनंत और राधिका की असली शादी वाले दिन क्या होगा? मोदी जी स्पेशल भंगड़ा परफॉर्म करेंगे? बी, निर्मला ताई शादी में दिए लिफाफे गिनेगी? सी, बोबड़ी लोगों की मेहंदी बनाएगी? या फिर डी, गडकरी साहब पार्किंग वगैरह देखेंगे? आए आपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें खुशी मनाने के मौके मोदी जी कम ही देते हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम जीती है तो खूब जश्न मनाओ, पर इट्स बीन 7 days एंड वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग। नो, क्योंकि दूसरा मैच हम जिम्बाब्वे से हार चुके हैं। बट माई पॉइंट इज दैट व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप मेरी भी आंखें नम हुई थी। मैं क्रिकेट फैन हूं और झूठ नहीं बोलूंगा, पर मैं उस टाइम को याद करके अभी रो नहीं सकता। नो सीरियसली, पर नीता अंबानी जी रो रही थी, मतलब ये क्यों रो रही है? पूरा देश रो रहा है, कम नहीं है क्या? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दैट। वही प्री वेडिंग चल रही है और कोई खबर तो है नहीं, प्रॉब्लम तो है नहीं देश में। तो ये प्री वेडिंग में ये मोमेंट आया व्हेन नीता अंबानी वॉज कॉलिंग रोहित शर्मा विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा। आपको पता है ना मुंबई इंडियंस इन्हीं की टीम है, और इस साल के IPL में मुंबई इंडियंस ने ही रोहित शर्मा को कैप्टनशिप से हटा दिया, और इस बंदे को कैप्टन बनाए थे जिसको मुंबई इंडियंस के फैन खुद बू कर रहे थे। इट वॉज अ रियली डार्क टाइम फॉर पांड्याज लाइफ, थैंक्स टू अंबानी साहब। सीरियसली थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं उनको ऑकवर्ड लग रहा है, तो सोचो जो एक्टर्स वहां सामने खड़े होकर इनकी एक्टिंग देख रहे होंगे उनको कितना ऑकवर्ड लग रहा हो। यू नो व्हाट इज सो सरप्राइजिंग, पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट एंड कॉलिंग इट अ रियल फीलिंग। बोल रहे हो तो बोटॉक्स के पीछे आंसू छुप गए, वरना सब कुछ रियल था। आई एम सेइंग दैट आई रिस्पेक्ट हर इमोशंस टूवर्ड्स क्रिकेट, हम भी इमोशनल हैं, पर ये डिस्प्ले क्यों? इन चीजों को लोग रियल समझ रहे हैं,
और इन चीजों को लोगों ने ड्रामा समझा था। या इफ यू रिमेम्बर व्हेन दीज रेसलर्स वर प्रोटेस्टिंग, आई एम अ इंडियन क्रिकेट टीम फैन, मैं अपनी टीम को हर वक्त सपोर्ट करता हूं, बैक करता हूं, पर इन पहलवानों में से विघ्नेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। डिड यू हियर एनीथिंग ऑन गोदी मीडिया दलाल एंड हर स्ट्रगल ऑन स्ट्रीट वॉज रियल एक्चुअली। तो यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, हम रियालिटी में ड्रामा और ड्रामे में रियालिटी ढूंढते हैं। अब ये देखो, जस्ट वॉच दिस थिंग, एंटायर थिंग। अगर आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लगती तो सबसे पहली जिम्मेदारी की उसको देखो और उसके बाद उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ अगर जरूरत है तो, कभी भागना नहीं। यहां पे आधा काम तो अच्छा हुआ है, हाँ नेताजी उतर के घायल को देख रहे हैं, अच्छी बात है, पर वेट क्यों कर रहे हो, डॉक्टर के पास ले जाओ ना। आई मीन व्हाई इज वेटिंग। या दिस वीडियो वेंट वायरल, मिस्टर चिराग पासवान, ये बंदे को चोट लगी थी एंड ही वॉज लुकिंग एट हिम, या ही वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम, वो चोट लगी, खून बहा है उसका, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, गो टू द डॉक्टर राइट नाउ विद योर कार। बट एटलीस्ट ही स्टॉप्ड और घायल की देखभाल की, वरना नेताओं के बेटे यूजली निकल जाते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते, समझ रहे हो, वो भी किसानों के ऊपर, समझ रहे हो ना, समझ रहे। बट या ही कुड हैव सेव्ड दैट टाइम, ये काफी देर तक चलता रहा, इंस्टेड ऑफ दैट ही डायरेक्टली वेंट टू द डॉक्टर। और सबको ये करना चाहिए प्लीज। सो इट्स ऑल अबाउट कार एंड ऑल दिस, लेट्स टॉक अबाउट बाइसिकल। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की कहानी जो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद झोला उठा के नहीं बाइसिकल उठा के चला। या यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन फॉरेन कंट्रीज वी कांट इवन इमेजिन हियर, जैसे कि इसने 400 पार कर लिया पर यहां नहीं हुआ, बिकॉज 400 पार करने का फॉर्मूला हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और हां, किसी के पीछे ईडी सीबीआई भी नहीं लगाई थी उन्होंने, एमएलए भी नहीं खरीदे थे और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में भी नहीं डाला, फिर भी हो गए 400 पार, बताओ, मैं हैरान हूं जी। बट इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स। या ये 14 साल से प्राइम मिनिस्टर थे, जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो ये अपने घर ऐसे वापस जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस इन इंडिया? कुछ लोग कहते हैं ये अपने कार्यकाल के समय भी साइकिल से आया जाया करते थे। कैन यू इमेजिन मोदी जी लाइक दिस? आइए बहनों, इट्स सो वंडरफुल टू इमेजिन, बट रात के समय मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कार में तो अंदर का लाइट ऑन कर देते हैं तो उससे पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, साइकिल चलाते वक्त लाइट, मोबाइल का लाइट ऑन, सीरियसली ऐसा हमारे देश में हो जाए तो कितना अच्छा है। या अंबानी साहब के लड़के को देखो, भाई को पीछे बिठा के, आई रिपीट, भाई को पीछे बिठा के कैसे गाड़ी भगा रहा है। बट द इम्पैक्ट ऑफ अंबानी प्री वेडिंग, लोगों का खून खोल रहा है, एक तो हमारा टैरिफ प्लान बढ़ा दिया, ऊपर से ऐसे फिजूल खर्च कर रहे हो, वी डू नॉट वॉन्ट टू स्पॉन्सर दिस गोल्डन ड्रेस अंबानी साहब। और इनको देख के बाकी कंपनीज एयरटेल इन लोगों ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है, लोग फिर से बीएसएनएल पर जाने की बातें कर रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है बीएसएनएल, पर प्रॉब्लम यह है कि स्पीड स्लो है। 2016 में जो 4G का ऑक्शन हुआ था उसमें बीएसएनएल को बाहर रखा गया था। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, अभी बीएसएनएल 4G के लिए स्ट्रगल कर रहा है और जियो ऑलरेडी 5G प्रोवाइड कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि जियो बीएसएनएल के टावर यूज करके ही 5G लोगों तक पहुंचा रहा है। मतलब बीएसएनएल की हालत मोहल्ले के उस 10 साल के बच्चे की तरह है जिसके बैट से पूरा मोहल्ला क्रिकेट खेल रहा है पर उसको बैटिंग नहीं मिल रही। मैं हैरान हूं जी। और मैं भी हैरान हूं जी। आप लोग लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो। सो या इफ यू लाइक इन दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो करना, थैंक यू सो मच। और आप बीएसएनएल पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लव यू 3000। थैंक यू सो मच। तो करना।